फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, राइट, हार्मोनियस होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे अपने फैमिली के साथ में, अपने घर में, राइट। आज मैं आपको मनी मैग्नेट, राइट, एकदम रफ्तार से मनी मैग्नेट ऐसे 3 से 4 रेसिपी बता देती हूँ, राइट। और ये जरूर कीजिएगा, ये बचपन से मैंने मेरी मम्मी को, मेरे नानी दादी को करते हुए देखा है। ये पुराना रेमेडी है जो मैं आज आपको, आपके सामने पेश कर रही हूँ। ओके, आपको बाहर मार्केट में या अमेजोन पे नाग केसर मिलेगा, बाहर मार्केट में नाग केसर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ नाग केसर। उसमें एक छोटी सी स्टील की डब्बी लीजिए, अगर आपने चांदी की डब्बी ली छोटी सी तो बहुत ही अच्छा है, और अगर चांदी की डब्बी नहीं है तो आप स्टील की छोटी सी डब्बी ले लीजिएगा, और उसमें नाग केसर, राइट, पूरा वो डब्बी में भर दीजिएगा। एकदम पूरा भी ओवरफ्लो मत कीजिएगा, थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि उसके बाद में उसके ऊपर हमें डालना है शहद, हनी, मध। ओके, उसके ऊपर डाल दीजिए नाग केसर, एक छोटी सी डब्बी में लीजिए, उसके ऊपर हनी डाल दीजिए। ओके, और ये डब्बी बंद कर दीजिए। यूजुअली मेरी दादी, नानी, मेरी मम्मी, ये लोग दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन ये प्रयोग करते थे, राइट। आप अभी इस फ्राइडे करके देख लीजिएगा, होगा, राइट। एवरी फ्राइडे लक्ष्मी का वार होता है, लक्ष्मी का क्या बोलते हैं डे होता है, राइट। तो आप है ना अभी करके देखिएगा ये डब्बी, जहां पर नाग केसर और हनी मिक्स डब्बी जहां कहीं भी होगी, वहां प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, हैप्पीनेस, मनी, हेल्थ, वेल्थ, खुशियां जरूर आएगी, राइट। जहां पर भी आपके ऑफिस में रखिए, आपके भगवान का जो अल्टर है, राइट, मंदिर है उसके अंदर रख दीजिएगा, घर में रखिए, ऑफिस में रखिए, जहां आप हो वहां रखिए, जहां भी ये डिब्बी होगी वहां खुशियां होगी, वहां सुख होगा, शांति होगी, पैसा होगा, हेल्थ होएगा, वेल्थ होगा। ओके, ये जरूर ये प्रयोग करना। फिर मेरा सेकंड रेमेडी है, बहुत कारगर है, राइट। जब भी मेरे पापा के बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, राइट, तो मेरी दादी, राइट, मेरी नानी बोलती थी कि नींबू को इस तरह से काटो, राइट, नींबू को इस तरह से काटो, और मेरे पापा रोज करते थे, इस तरह से काटिए, एक ऐसे स्टील के डिब्बी में रखिए, इस पे कच्चे दूध की धार छोड़िए, कच्चा दूध आता है उसको बॉईल करने से पहले सुबह सुबह कच्चे दूध की इस पे धार छोड़िएगा। ओके, और ये जब तक ये डूबता नहीं है आपका, तब तक उसमें दूध भरिए। जिस वक्त ये दोनों डूब जाएंगे दूध के अंदर, फिर उसको पैक कर दीजिए। और ये करते समय आप, आपके लक्ष्मी का या जो भी धर्म से आप पैसे के लिए, बरकत के लिए, जो भी रोजरी कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, आप वो कर लीजिएगा। ओके, गॉड का नाम लीजिए या अफर्मेशन खुद ही कर सकती है, बहुत अच्छे से आप खुद लिख लीजिए, राइट, और अपने दिल से सादी सुधी भोली भाड़ी भक्ति, राइट, भगवान की सादी सुधी भक्ति होनी चाहिए, इसमें मैंने विश्वास किया है। तो जो आपके मन में बहुत अच्छे से आएगा, आप अपना ना वो रिक्वेस्ट कीजिए ईश्वर से। ये डब्बी बंद कर दीजिएगा। और अभी मेरे पापा ऑफिस जा, उनके वर्कशॉप जाने से पहले जब जाते थे तो हमें बहता पानी मिलता था, राइट, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, राइट, बहता पानी होना चाहिए, नदी या जहां पानी बह रहा है, गटर विटर नहीं होनी चाहिए। ओके, बहते पानी में लक्ष्मी जी का नाम लेके, राइट, इसे पानी में अर्पण कर दीजिए, बहते पानी में। देखिए कैसे लक्ष्मी नहीं आती है कैसे पैसे नहीं आती है, कैसे सुख शांति सुविधाएं हमें नहीं मिलती है, आप करके तो देखिए। ये मेरे ग्रैंड मदर्स की रेसिपी है। ओके, फिर एक रेसिपी मैंने मेरे आगे के वीडियो में भी आपको बताई थी, राइट, मैं वो वापस दोहराती हूँ। अखा धनिया, साबुत धनिया, राइट, खड़ा धनिया, बहुत कारगर चीज है धनिया। धनिया खाली थोड़ा सा भी बॉटल भर के अपने घर में रखिए, कैसे धन नहीं आता है देखिए, राइट। तो धनिया, सपोजिंग एक छोटा सा पैकेट धनिया का बनाइए, राइट, उस मैंने लास्ट इसमें नमक नहीं बोला था,
राइट, इसलिए मैं ये वापस रेसिपी बता रही हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसी तरह से धनिया, नमक, हल्दी, हल्दी कुंड होती है ना, हल्दी की गांठ, ऐसी 5 गांठ, जिसमें छोटा सा बच्चा उसके हाथ में है, ऐसा ऐसी हल्दी की गांठ चाहिए, 1, 2, 3 हो गया। फिर कॉपर का पैसा, राइट, कॉपर का पैसा, कॉपर नहीं, पैसा नहीं है तो अपना पैसा भी चल जाएगा, ओके। और ये कॉइन्स और एक गुलाब का फूल, राइट। चावल, चावल टूटा टूटा नहीं होना चाहिए, है साबुत चावल होना चाहिए, अखा चावल होना चाहिए, टूटा चावल नहीं होना चाहिए। ये 4-5 चीजें एक पैकेट में, अलग अलग पैकेट में डाल के, फिर एक पैकेट में डाल के इसे किचन में रख दीजिएगा, अपने रसोई में रख दीजिएगा। देखिए कितना धन धान्य से आपका घर भर भर भरेगा। आप देखते तो रहिए, मेरे दादी नानी का ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, राइट। फिर उसी तरह से मेरे पापा अपने वर्कशॉप में, राइट, ऐसे एक छोटी सी प्लेट में, राइट, साबुत नमक, राइट, खड़ा नमक, राइट, ऐसे दो ये कट करके, खड़ा नमक, राइट, इसमें खड़ा नमक में ये भिगा के, राइट, ये रख दीजिए। वो मेरे पापा अपने वर्कशॉप में रख देते थे, राइट, मेरी मम्मी अपने घर में रख देती थी, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती थी, राइट, आती है, वो ये नमक और ये नींबू ग्रैब कर लेता है। जिस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, उस तरह से ये नींबू और नमक नेगेटिव एनर्जी लेता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है, राइट। ये भी मनी मैग्नेट है, राइट, इसे जरूर कीजिएगा, राइट, और अपनी जीवन में सुख शांति खुशहाली जरूर लेकर आइएगा। ये जो भी रेसिपी मैंने बताया है, मेरे मदर, मेरे ग्रैंड मदर्स ये लोग किया करते थे, मैंने बचपन में अपनी माँ और अपनी आंटियों को ये सब करते हुए देखा है, और फिर वो मैंने भी किया, राइट, और लाइफ इज ब्यूटीफुल, राइट। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया मुझे मेरा वीडियो देखने के लिए, राइट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। सबका हक है खुश रहने का, तो क्यों ना हम सबको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं और उन्हें उनके जीवन में खुशियाँ लाए। और मैं तो आगे बढ़ के ये भी बोलूँगी कि आइए बाहर और लोगों को बताइए, ये सब चीज़ें हैं ना इजीली अवेलेबल होती है आपके डे टू डे लाइफ में, ओके। थैंक यू सो मच, राइट, गॉड ब्लेस यू, आप सब सुखी रहे, खुश रहे, राइट, आपके मन की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच।